अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन द बॉयज मीम्स बाय गुरु बोलते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो वनाम गुड़ानी नाई को वेलकम टू माई चैनल, लिखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स गो। कैसे बताए तुम्हें मेरे दिल के अरमान, तुम्हें याद कर कर के दुब गए हैं हाथ मेरे। मुझे याद करके हाथ भाई क्या हाल चाल है, स्वागत है आपका मीम्स की दुनिया में। ये वीडियो सिर्फ फन के लिए है तो कोई भी बंदा सीरियस मत लेना, लाइक और शेयर करना मत भूलना। वीडियो को शुरू करते हैं आपकी पसंदीदा इंट्रो के साथ। कई लोग कह रहे हैं कि एलविश यादव पॉलिटिक्स में जा रहे हैं और बहुत, अभी आप खट्टर से भी मिले तो उसके बाद और ज़्यादा बातचीत होना शुरू हो गई। हाँ मैं नहीं जा रहा, पर ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं जा रहा मैं, इंटरेस्ट तो है पॉलिटिक्स मेरा, पॉलिटिकल साइंस में था मेरा इंटरेस्ट बट पॉलिटिक्स में नहीं। उसका ये सीजन जो है वो जनता के हाथ में था, लेकिन मेरी पूजा जो थी वो बिग बॉस के हाथ में थी। पूजा जी, मेरे हाथ आपके हाथ का वेट कर रहे हैं, गाना बजाओ। अरे लेकिन यार, ये आपसे शादी क्यों करेगी यार? क्यों, क्या कमी है भाई पूजा जी में? गाइस आज हम फाइनली अनबॉक्सिंग करेंगे कुनाली के न्यू ड्रोन की और इसको उड़ाएंगे, देखेंगे कितना उड़ेगा ये। मीनवाइल ये ड्रोन, ये कुनाली का न्यू ड्रोन है। ये नाली असली है, ड्रोन तो उड़ेगा है? उड़ेगा। ऐसे क्यों पे फालतू में ऐसे खर्च करता है बेटा? तू फन टाइम के लिए, फन टाइम के लिए बच्चे बन के सच्चे में हमेशा बोलती हूँ अपने वीडियोस में। आयुष एक लड़की ने रोड पर देखा कि कोई अंधा व्यक्ति अपने कुत्ते के साथ बैठा है और बोर्ड पर लिखा है कि मैं अंधा हूँ मेरी मदद करो, लेकिन आसपास के कोई लोग उसकी मदद नहीं कर रहा था। तो लड़की ने बोर्ड को उठाया और उस पर कुछ ऐसा लिख दिया जिसके बाद से हर कोई उसको पैसे देने लगा। ये देखकर वो आदमी बहुत खुश हो गया क्योंकि उसके पास काफी पैसे आ गए थे। तो एक्चुअली उस लड़की ने एक पॉजिटिव लाइन उस कार्डबोर्ड पर ऐड कर दी थी। उसने लिखा था कि 100 रुपया महीना देने में लोगों की गांड फट जा रही है और कहते हैं हम मर्द हैं। दुनिया चांद पे जा रही है, इंडिया चांद पे जा रहा है, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हाँ। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर है, इधर नहीं है, बताया नहीं, मुझे मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है, वहाँ पे गैस है? नहीं गैस। इधर भी नहीं है, वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप लाठर, फ्रॉम जींद हरियाणा। क्या करने वाले हो आप? मैं डांस करूंगा जी, एक पलका जी ने गाने बजी। तू तो ध्यान रख कौन बोलता है मुझ पर किसी की, मुझ पर किसी की निगाह नहीं ठहरती, मेरा साथी ऐसा मुझे किसी की नजर ही नहीं लगती। काले जे लिबास दी शकीन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। मैंने भी बताया था ना तेरे 5-6 पापा, उसमें तेरा एक पापा वो भी है जो बिग बॉस के अंदर है, मेरे को मत बता बेटा। हम तो अलग ही सिस्टम है, हम शेर की औलाद है, और शेर की औलाद है ना फौलाद होती है। औलाद हूँ? अरे बाप रे, शेर की औलाद है मतलब तेरी मम्मी जंगल में गई थी क्या? बेटा ट्राई कर, ट्राई कर साले। ऐसे उड़ा दूंगा अर्जुन सिस्टम बच्चे मार्केट के अंदर
तूने आज तक किसी बहनों की अगर बता मेरे को, तेरी तो बहुत इज्जत है, तुझे तो भारत रत्न अवार्ड मिला है जॉनी लीवर से, बापरे कितना बड़ा अवार्ड मिला तुझे भारत रत्न, वो भी जॉनी लीवर से। वैसे तो अवार्ड खड़े खड़े देते हैं, लेकिन सुना है तुझे वो अवार्ड लेटे लेटे मिला है। बच्चे बच्चे मुंह पे गया ना मरा इस जज, मुंह बहुत बोल दिया कट इस। काफी अनरियल फीलिंग है मेरे लिए कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना आगे तक जाऊंगा एज अ वाइल्ड कार्ड, तो आज ट्रॉफी लेके आ गया वाइल्ड कार्ड, हिस्ट्री क्रिएट कर दी, तो बहुत दिल से बहुत भाई यार तुम लोगों ने स्टार बना दिया मेरे को। ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझसे शादी करोगे टोन टोन? Meanwhile, Yellow. कितनी मजेदार बात है, चुटकी अपने ही मम्मी पापा की शादी देख रही है। क्या भाव क्या है? 10,000। मैं इसका 11,000 दूंगा। 12। 13। 15। A few minutes later. 70,500। 25। अरे टप्पू के पापा ये क्या कर रहे हैं, ये साड़ी का 25,000? अरे दया मैंने कहा ना आज तेरा दिन है दया डे। 25,000 क्या, अगर 25,00,000 भी है बोलते ना तो भी मैं खरीद लेता। माँ बंदे मातरम हिंदुओं की ठेस पे क्या ठेस पहुंची है हिंदुओं के दिल पे कि उन्होंने बंदे मातरम का विरोध करना चाहा? अच्छा एक बात, आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। बंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका, वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम अभी मुझे कैसी लगी? Men will be men. Seagram's Imperial Blue Super Hits Music Series. डाउनलोड करना ना भूलें कैश प्लस, और मेरे लिंक से डाउनलोड करेगा तो मिलेगा 50 रुपीज का बोनस। अगर आप फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करते हो तो आपको मिलेगा 100% बोनस। तो जाओ जल्दी से डाउनलोड कर। चाहे इंसान कोई भी हो, मैन विल बी मैन। एंड में आप लोगों ने देखा होगा मैं नहीं बोल रही हूँ, और जेठालाल जैसा पति तो कौन नहीं चाहेगा। हाँ बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पड़ोस वाली उसको ज्यादा पसंद आती है। बबीता पे ज्यादा दिल आ जाता है उसका, गुड मॉर्निंग करने के लिए वो गैलरी में कास जाता है, सबको इग्नोर करता है, क्या क्या चीजें नहीं करता है बबीता के अटेंशन के लिए, वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज है। नहीं तो दया से भी बहुत प्यार करता है। साड़ी देखी 25,00,000, आज तेरा डे है तो तेरे लिए 25,00,000 भी दे दूंगा, चलेगा मेरे को। देखा कहा होते हैं ऐसे पति। और ये दीपक कलाल और थाराबाई जोगिंदर, मेरे को जितना पता है थाराबाई जोगिंदर अगेंस्ट था एलविश के, मैंने जितने मीम्स पे रिएक्ट किया था, ठीक है। तो अभी वो ही खुद ही सिस्टम कर रहा है क्या, मतलब हो गया क्या कुछ सॉर्ट आउट? और ऊपर से दीपक कलाल मां कसम यार, और ये लोग हमेशा लाइव में ही ये सारी चीजें करते हैं, जितने भी मीम्स है इन लोगों के लाइव बातें में लाइव में होता है, स्क्रिप्टेड कुछ नहीं। स्क्रिप्टेड रोस्टिंग में कुछ नहीं। और मेरे को लगता है ऐसे सारी चीजें बोलने से थाराबाई जोगिंदर तो और ज्यादा ऐसे हाइपर होता होगा, है ना? आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना प्लीज। बाकी परत नहीं आ रही, बाय।